अच्छा गुड्डी, तुम वही स्कूल में मेरा वेट करना। हाँ, श्रुति की बर्थडे में साथ ही चलेंगे। अच्छा मम्मी। और मस्ती नहीं करना, पढ़ाई भी ध्यान से करना। हाँ बाय मम्मी। बाय बेटा। ओके बाय। रेशमा, आज तो तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। अच्छा? यस। और अगर मैं जीत गई तो? अगर तुम जीत गई तो कसम से तुम्हें ये नेकलेस दे दूंगी। कांग्रेचुलेशंस रेशमा। थैंक यू। पकड़ो एक मिनट। अब ये लो। वैसे भी तुम्हें इतनी अच्छी सैली हो कि ऐसे सैकड़ों हाथ तुम पे कुर्बान। सुनीता, सुनीता प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी जगह वो लोग रेशमा को सिर्फ इसलिए ले गए थे क्योंकि उसने मेरा लॉकेट पहना हुआ था। लेकिन होनी को कौन डाल सकता था? तुम जानती हो, आज जब मैं उसकी बीमार माँ को मिलने गई थी तो उसकी रुकती जुबान पर एक ही नाम था, रेशमा, रेशमा, रेशमा। सुनीता प्लीज, सुनीता अरे कहाँ जा रहे हैं आप? हमें कमिश्नर से मिलना है, बात करने दीजिए भाई। कमिश्नर साहब मेरे बच्चे को उठा के लेके गया। मेरे बच्चे को भी किडनैप कर लिया गया। मेरा बच्चा भी। कमिश्नर साहब मेरे बच्चे कॉलेज से वापस नहीं आए। मेरी बच्ची भी कल रात घर वापस नहीं आई। कुछ कीजिए ना हमारे बच्चों के लिए। कुछ कीजिए ना हमारे बच्चों के लिए। आप सब लोग मेरे साथ प्लीज कुछ आइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपकी समस्या के बारे में शहर की सारी पुलिस को अलर्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ आराम से बैठे, पुलिस को अपने बयान लिखवाएं, अपने बच्चों का हुलिया लिखवाएं। अगर कोई अपने साथ अपने बच्चे की फोटो लाया हो वो उसे पुलिस के हवाले। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, ये कोई नई बात नहीं है पुलिस के लिए। आप लोग बयान लेते रहेंगे या ज्यादा से ज्यादा पंचनामा कर लेंगे, और काम क्या रह गया है आपके पास? शहर के कोने कोने से बच्चे उठा लिए गए, कहां थी आपकी पुलिस? ये ठीक कह रहे कमिश्नर साहब, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस ने चुस्ती दिखाकर किसी बच्चे को किडनैपिंग से बचा लिया हो। और अभी तक पुलिस ने क्या कर लिया है हमारे बच्चों के लिए, बताइए। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस जल्द से जल्द आपके बच्चों को ढूंढने में कामयाब होगी और उन्हें सही सलामत आपके हवाले किया जाएगा। जरा हिम्मत से काम लें प्लीज। कितना सीरियस मैटर है, बॉन्ड कहाँ है इस वक्त? तू मेरे घर में मेरी ही बहन के साथ? होने वाले साले साहब, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ भैया, कुछ नहीं किया है। अरे ये सांड की तरह क्यों फुदक रहा? भैया नहीं नहीं साले साहब, ऐसा नहीं कर सकते साले साहब। नहीं साले साहब, अभी नहीं। फिर आ रहे, अरे भागो। होने वाले साले साहब, आपको लगी तो नहीं? लगी तो नहीं। क्या शेर,
Excuse me, baby. अब जरा सांड जी को उनके घर छुड़ाइएगा. Okay, baby. I love you. Bye. मिस्टर बॉन्ड, इन दिनों में क्या से क्या हो गया है कुछ मालूम है तुम्हें? सर, मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी और अभी भी छुट्टी खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं. तुम्हारी छुट्टी कैंसल. सर. यस जोली. ये उन नामों की लिस्ट है जिनके बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं. बॉन्ड, सॉरी सर, ये केस तुम्हें सौंपा जा रहा है. थैंक यू सर. सर, एक आशिक के हाथ में तलवार सौंप रहे हैं आप. इसमें किस किस का नाम लिखा है जरा पढ़ो. सेठ प्रकाश चंद, सेठ गोपाल दास, सेठ अमृतलाल, सेठ अडवाणी. बस बस बस. इट मींस तुमने इस केस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है. गुड, वेरी गुड. इंस्पेक्टर राय, अब आपको मालूम पड़ा कि आपकी राय कितनी बोगस थी. मैं तलवार एक आशिक के हाथ में नहीं सौंप रहा था. मैं तलवार उस आदमी के हाथ में सौंप रहा हूं जो तलवारों का आशिक है. समझे आप? यस सर. मोहन जी, ये केस जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए वरना सारे देश में हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी. राइट सर. हमारे इस केस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, कुछ सोचा तुमने? सर, जिस ग्रुप ने बच्चों को किडनैप किया है, या तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे या तो उनके घर वालों को कांटेक्ट करेंगे. दैट विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट. फिल्म की रील. सुनो पुलिस कमिश्नर, पिछले दिनों बॉन्ड ने हमारा करोड़ों का नुकसान किया और नुकसान ड्रैगन को अच्छा लगता है क्योंकि अगर नुकसान नहीं हुआ तो और ज्यादा कमाने को जी नहीं चाहता. आप सबके फूल जैसे बच्चे जो गायब है वो मेरे पास है. ड्रैगन को फूलों का गुलदस्ता अच्छा लगता है, इसीलिए इस गुलदस्ते को हमने सजावट के तौर पर. हेलो कमिश्नर साहब, मेरे पास किसी ड्रैगन ने एक वीडियो कैसेट भिजवाया है जिसमें ये मैसेज है, मेरी गुड्डी उसके कब्जे में है, आप जल्दी कुछ कीजिए वरना वो मेरी गुड्डी को जान से मार डालेगा. प्लीज आप जरा हिम्मत से काम लें, सब ठीक हो जाएगा. ओके. हवा के लिए बड़े बड़े रोज. इस हरामजादे ने बच्चों के मां बाप को वीडियो कैसेट के जरिए यही धमकी दी है. वैसे तो हम जानते हैं कमिश्नर कि इन्हें किसी शानदार महल में रखे, लेकिन लेकिन बॉन्ड ने हमारे करोड़. यस जी, मैं अमृतलाल नागर बोल रहा हूँ. अभी अभी किसी ने खिड़की से कैसेट फेंका है जिसमें धमकी दी गई है कि वो मुन्ना के साथ कुछ भी कर सकते हैं. मैं पूछता हूँ आखिर क्या करे ये पुलिस फोर्स, मुझे लोगों को दिन दहाड़े धमकी देने लगे. देखिए अमृतलाल जी, हमसे जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं. प्लीज काम डाउन. सर, सेम थिंग. मिस्टर अमृतलाल नागर के घर भी वही कैसे भिजवाई है. बास्टर्ड. फिल्म या कैसेट के जरिए आप तक पहुंचा दी जाए. चलिए इंस्पेक्टर राय, कहां गए ये दोनों? कही? तुम्हारा पोता गौतम. गौतम कहाँ है मेरा पोता? हमारे पास, बाकी सब कुछ इस कैसेट में है. जी देखिए, तुम्हें जो रकम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ. बोलो कितना चाहिए, मैं भी लेकर आता हूँ. प्लीज मुझे मेरे गौतम के पास ले चलो, मेरे पोते के पास ले चलो मुझे. प्लीज अपनी जवानी को नकली बुढ़ापे में बदल कर
तुम डागा को दगा नहीं दे सकते हो मिस्टर बॉन्ड। मैंने तो तेरी बहुत तारीफ सुनी थी, सुना था कि लोमड़ी से ज्यादा चालाक दिमाग है तेरा और शेर से ज्यादा ताकत। हाँ, लेकिन तुम पुलिस वालों के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ना मैं अपनी मां के पेट से सीख कर आया हूं। हिम्मत, एक तोहफा है तेरे लिए मेरे पास, बहुत दिनों से रखा हुआ है, जानना चाहेगा वो क्या है? तेरी मौत। नहीं। क्या नाम बताया था तुमने? ढाका। तुमने अपनी मां के पेट से पुलिस का चक्र भी तोड़ना तो सीख लिया, लेकिन लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें बॉन्ड के चक्र के बारे में कुछ नहीं बताया। और अब मैं तुझे बताता हूं, पहली कैसेट तूने सेठ दुर्गा प्रसाद के यहां भेजी जो वर्ली में रहता है, यहां से मेरी चक्रव्यूह की पहली कड़ी शुरू हुई। दूसरी कैसेट सेठ रामदयाल गया जो बैंड्रा में रहते हैं, मुझे यकीन था कि तू तीसरी कैसेट देने जरूर आएगा। यह थी मेरी चक्रव्यूह की कड़ियां जो मैंने तुझे बताई, और अब डागा मैं तुझे दिखाऊंगा। बताओ ड्रैगन कहां है? ड्रैगन कहां है? ड्रैगन के बारे में तू क्या बॉन्ड? तेरा बाप भी मुझसे कुछ नहीं बनवा सकता। और एक बात सुन, मैं मर जाऊंगा लेकिन कुछ बोलूंगा नहीं। ये वो जगह है जहां गूंगे भी संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगते हैं। बताओ ड्रैगन कहां है? वो जहां भी है याद रख, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे जख्मों का तुझसे हिसाब लेगा बॉन्ड। डागा ड्रैगन कहां है? बोल ड्रैगन कहां है? बोल, ये क्या कर रहे हो? मार दोगे इसे? छोड़ो इसे, अगर ये मर गया तो ड्रैगन का पता कौन बताएगा? चुम्मा चुम्मा, तुम्हें 8 दिन हुए हैं कानून की नौकरी का चुम्मा लिए हुए और मुझे कानून की बारीकी सिखा रहे हो। मिस्टर रॉय, काली बिल्ली भी अगर मेरा रास्ता काट जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि वो मर जाएगी। नाउ गेट आउट। क्या है? आप कमिश्नर साहब ने इसी वक्त बुलाया है। बॉन्ड, हमें दागा को सेंट्रल जेल पूना शिफ्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली। सर, आप मुझे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं दागा से सब कुछ उगलवा लूंगा। सॉरी बॉन्ड, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं। आई कांट एग्री विद यू। प्लीज सर, जिद मत करो बॉन्ड, मैं मजबूर हूं। सर, ये हमेशा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन उसी इज्जत से जिस इज्जत से एक नेक इंसान अपने हाथ में गीता या कुरान लेता है, समझे? बॉन्ड ठीक कह रहा है, जाओ मिस्टर रॉय।